वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, माय नेम इज कामरान अहमद, यू आर वाचिंग कामरान इन्फो। सो आज की वीडियो मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड 1 ईयर विद EXL सर्विस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि आई हैव स्टार्टेड माई करियर विद CFO। मैंने CFO में 1 साल काम किया, फिर Genpact में 1 साल काम किया। आई एम वर्किंग विद EXL एज एग्जीक्यूटिव इन अकाउंट रिसीवेबल प्रोफाइल 2021, 2022, 2023, 2024। मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो EXL ज्वाइन करने से पहले मैं Genpact में था, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम पे था, डे शिफ्ट में था, काफ़ी अच्छा काम भी था, सारा कुछ सीख भी लिया था, अच्छे से काम भी चल रहा था, सैलरी थोड़ा कम थी, कुछ ग्रोथ करना था, कुछ अदर चीज़ें एक्सप्लोर करना था, उसके लिए मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया, वर्क फ्रॉम होम को, डे शिफ्ट को मैंने छोड़ दिया। देन आई हैव ज्वाइन EXL सर्विस। सो EXL कंपनी मैंने ज्वाइन किया था Naukri.com के थ्रू, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, मुझे वहाँ से कॉल आया, 3 राउंड इंटरव्यू मेरे हुए। पहले राउंड HR के साथ, जो कि बेसिक कन्वर्सेशन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि आपकी सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, किस शिफ्ट में काम करना चाहते हो, किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया हो, सब कुछ वो पूछते हैं, बेसिक चीज़ें। उसके बाद आपका मैनेजर राउंड होता है। मैनेजर राउंड के अंदर आप जिसके साथ काम करते हो वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको प्रोफाइल में, जिस प्रोफाइल में आपको आना उसके रिलेटेड आपको काम आता है या नहीं आता, तो अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड वो सारे चीज़ें मुझसे पूछे कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है कि अकाउंट रिसीवेबल के अंदर क्या क्वेश्चन आते हैं, तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑन माई चैनल। सो मैनेजर राउंड मैंने क्लियर कर दिया। 3rd राउंड था मेरा क्लाइंट के साथ, क्योंकि कुछ कुछ प्रोसेस में क्लाइंट इंटरव्यू, क्लाइंट राउंड भी होता है, एंड किसी किसी प्रोसेस में, किसी किसी कंपनीज में 2 राउंड भी होते हैं, बट मेरा 3 राउंड हुआ था। तो क्लाइंट ने भी सेम चीज़ पूछी थी, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर क्या होता है, अप्लाइड कैश, अनअप्लाइड कैश, पेमेंट अप्लीकेशन, रिकन्सलेशन, बेसिक चीज़ें उन्होंने पूछी, वो भी मेरा राउंड क्लियर हो गया था। एक बार में सारे राउंड मैंने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद मेरी ऑनबोर्डिंग हुई। ऑनबोर्डिंग के टाइम पर मुझे ये लैपटॉप कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया, ये डेस्कटॉप भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया, एक बॉटल था, एक कप था, वो सारी चीज़ें मुझे कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई। बोथ साइड कैब मिली, नाइट शिफ्ट मिली Genpact में, ये Genpact में मेरा डे शिफ्ट थी, यहाँ पे नाइट शिफ्ट मिली। परमानेंट ऑफिस मुझे जाना पड़ेगा EXL में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। सो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मेरी, विद इन अ वीक आई स्टार्टेड वर्किंग विद EXL। मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था विद इन अ वीक, एंड ट्रेनिंग भी चलती थी एंड काम भी स्टार्ट कर दिया था। तो अराउंड 1 मंथ की ट्रेनिंग मुझे मिली, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें सीख ली थी, जिसके बाद अच्छे से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था EXL में। अब बात करते हैं कंपनी के वर्क कल्चर की, कंपनी की पॉलिसीज़ की, और कंपनी के अदर फैसिलिटीज़ जो मुझे मिली। फैसिलिटीज़ की बात करें सो मुझे बोथ साइड कैब मिली, विच इज़ फ्री बोथ साइड कैब, एंड हाइब्रिड भी स्टार्ट हो गया था। आफ्टर 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद मुझे हाइब्रिड मॉडल मिल गया, जिसमें मुझे 3 दिन ऑफिस जाना पड़ता था, सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम, एंड 2 डे फिक्स्ड ऑफ। सो 3 दिन ऑफिस जाना पड़ता था, एंड उसके साथ मुझे कुछ बोनसेस भी मिले, अपार्ट फ्रॉम सैलरी मुझे बोनसेस भी प्रोवाइड किया गया। सो ये सारे बेनिफिट थे जो मुझे मिली कंपनी की तरफ से, कुछ अचीवमेंट भी मिली, कुछ अवार्ड्स भी मिले, RNR होते हैं कंपनीज़ में, सो वो सारी चीज़ें मुझे मिली। पॉलिसीज़ की बात करें सो पॉलिसी भी अच्छी है, कंपनी जल्दी आपको नहीं निकालती, कंपनी बहुत रेयर केस में आपको फायर करती है या ले ऑफ, कंपनी EXL सर्विस ले ऑफ नहीं करती, बहुत ही मैंने तो नहीं सुना, एंड इतने ये जो मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस था, इसके भी इस इन बिटवीन मैंने नहीं देखा कि कंपनी किसी को निकाल दी, कि ले ऑफ कर दी, या कंपनी निकालती नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है Genpact या EXL, ये कंपनी को ये एम्प्लॉय को जल्दी नहीं निकालती। सो एक बार आपकी जॉब लग जाए, ठीक ठाक सैलरी है, सो आप अच्छे से काम कर सकते हो, काम अच्छे से भी नहीं करते, थोड़ा बहुत काम गलत करते हो तो भी आपको कंपनी नहीं निकालती। बहुत ही ज़्यादा कुछ कर दो, ऑफिस ही ना जाओ, या कुछ बड़ा कांड कर दो, सो आपको कंपनी निकाल सकती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। बिकॉज आई एम यूट्यूबर, सो मैं जब नया ज्वाइन किया था तो EXL के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, कंपनी को दिखाया, कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें दिखाई, कुछ चीज़ें बताई जॉब के बारे में। सो जो कंपनी के अंदर ऑडिट की टीम होती है, उन्होंने मेरा चैनल देख लिया, सो मुझसे पूछा कि हु आर यू, व्हाई यू आर अपलोडिंग वीडियोज ऑन EXL, यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन। सो मैंने कहा यस, आई एम नॉट ऑथराइज पर्सन। सो उन्होंने बोला आप वीडियोज़ नहीं बना सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बना सकते? उन्होंने बोला आप EXL के एम्प्लॉई हो, सो आप EXL के ऊपर वीडियोज़ नहीं बना सकते। मैंने कहा मेरा चैनल में बनाऊंगा वीडियो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अपने कैंडिडेट
अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने फैमिली यूट्यूब फैमिली के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कंपनी के बारे में बताऊँगा, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। कंपनी की कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा, कोई ऐसी चीज़ें मैं लीक नहीं करूँगा जिससे कंपनी को हार्म हो। तो बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत ईमेल चली, टर्मिनेशन तक की बात हो गई थी, बट सब कुछ शॉर्ट हो गया। मैनेजर ने मेरा सपोर्ट किया सो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों के इंटरव्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ, कैरियर गाइडेंस के बारे में बता रहा हूँ। सो मैं कोई कंपनी की पॉलिसीज़ को हार्म नहीं कर रहा हूँ, कोई क्रेडेंशियल, कोई डेटा शेयर नहीं कर रहा हूँ जो कि कंपनी को हार्म हो जिससे। तो ये सारी चीज़ें चली बहुत, बट मुझे टर्मिनेट नहीं किया गया, मुझे अलाउ कर दिया गया। वीडियोज़ बना सकते हैं बट कुछ भी कॉन्फिडेंस चीज़ें नहीं शेयर कर सकते। सो मैंने चीज़ ध्यान रख के मैंने काम किया कि हाँ चीज़ें क्या शेयर करना चाहिए क्या नहीं। सो मैंने फिर वीडियो स्टार्ट कर दिया बनाना। एंड अब कंपनी का प्रेशर की बात कर लेते हैं, वर्क कल्चर की बात कर लेते हैं। तो कंपनी अच्छी है, वर्क कल्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, टीम अच्छे हैं, मतलब ओवरऑल कंपनी की बात कर रहा हूँ, बढ़िया कल्चर है कंपनी काम करने का, बढ़िया है, अच्छा है, आप कर सकते हो। मेरी भी टीम अच्छी थी, टीम मेंबर्स अच्छे थे, कलीग अच्छे थे, मैनेजर सपोर्टिव थे, टीम मेंबर्स एंड SMEs जो टीम लीडर होते हैं वो सब सपोर्टिव थे, अच्छे थे। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिला, ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन करते तो बिना ट्रेनिंग का आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा और काम बिना सिखाए आपको काम करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब तक नहीं सीखते तब तक आपको सिखाया जाता है। एक बार आपको एंट्री मिलेगी कंपनी में, वो सारी चीज़ें आपको खुद सिखाएंगे, जब तक नहीं सीखोगे तब तक सिखाएंगे। बहुत रेयर केस में अगर आप सीखते ही नहीं हो 2-4-6 महीना तब आपका प्रोसेस चेंज भी कर सकते हैं। बट विद इन अ वीक मैं सीख गया था, एक महीने तक ट्रेनिंग चली, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। काम का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, काम ईजी था, बढ़िया था, बहुत ही अच्छा काम था। कभी कभी मंथ एंड में प्रेशर आ जाते थे काम के, उतना चलता है, बट ओवरऑल कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव काम का नहीं था। जब भी ज़रूरत पड़ती थी कंपनी मुझे वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करा देती थी। जब भी मुझे अपने होम टाउन जाना था, मुझे 1 महीने का 15 दिन का 20 दिन का वर्क फ्रॉम होम मिल जाता था ईजिली। लैपटॉप सबको नहीं प्रोवाइड कराते, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि लैपटॉप क्या सबको सारे कैंडिडेट को प्रोवाइड कराएंगे, तो नहीं, बहुत सारे जो बैक ऑफिस में होते हैं, वॉइस प्रोसेस में होते हैं, उनको लैपटॉप नहीं प्रोवाइड किया जाता। बट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंडर में जो आते हैं उनको लैपटॉप जरूर प्रोवाइड कराते हैं, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम। चीज़ फ़ोन अलाउ नहीं था, विच इज़ नॉट गुड फॉर ऑल द एम्प्लॉई। फ़ोन अलाउ नहीं था हमारे प्रोसेस में, हमारी टीम में, तो हम फ़ोन नहीं ले जा सकते थे। वहाँ पर लॉकर था, हम लॉकर में सबमिट करके ही अपने काम करने के लिए जाते थे। सो कंपनी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, EXL और Genpact दोनों को मैं कंपेरिजन करूँ तो दोनों ऑलमोस्ट सेम कंपनी है। एज अ फ्रेशर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। EXL में वॉकिंग इंटरव्यूज बहुत चलते हैं, आप वॉकिंग इंटरव्यूज़ के लिए आ सकते हो। एज अ फ्रेशर अगर मैं सैलरी की बात करूँ, एज पर माई एक्सपीरियंस, तो एज अ फ्रेशर अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के प्रोफाइल में आते हो, सो अराउंड 2.5 LPA to 3 LPA आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतनी से आप कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। अगर बैक ऑफिस में जाते हो, बैक एंड में जाते हो, डेटा एंट्री में जाते हो, सो 1.8 LPA से लेकर आप 2.3-4.5 LPA तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीस कम्युनिकेशन और अच्छा इंटरव्यू दे लेते हो, सो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। एक्सपीरियंस हो तो 4 LPA तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ग्रोथ भी है, अच्छी ग्रोथ है, बढ़िया है, बट बहुत ज़्यादा अप्रेजल नहीं करता हूँ। 6-7% तक अप्रेजल करते हैं ये कंपनी, पर ईयर अप्रेजल करते हैं। टाइम टू टाइम बोनसेस भी मिलते हैं, परफॉर्मेंस बोनस, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है। सो कंपनी काम करने के लिए अच्छी है, कोई प्रेशर नहीं है, आप काम कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी ओपनिंग्स आती रहती हैं टाइम टू टाइम, मैं शेयर भी करता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, पोस्ट करता रहता हूँ, वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ। सो आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाली ओपनिंग्स के लिए, आने वाली जॉब के लिए, करियर गाइडेंस के लिए, मेरे आने वाले न्यू कंपनी के लिए, मैं कहाँ जाऊँगा इसके बाद। बिकॉज तीन साल मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर किया है, 4th साल है इसमें, मैं कहाँ जाऊँगा, किस कंपनी में जाऊँगा, क्या एक्सप्लोर करूँगा, सब कुछ आपको देखना है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एक अच्छा कैरियर स्टार्ट कर सकते हो विद EXL और Genpact बोथ।